आज हम हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इससे एक दो नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो अब क्वेश्चन आता है, तत्सम किसे कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे अग्नि, नृत्य, रात्रि, चंद्र, स्वर्ण, सूर्य, गृह। ये सब क्या आ गया हमारा, ये सब तत्सम कहलाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तद्भव किसे कहते हैं? वह शब्द जो संस्कृत एवं प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आया हो उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, जैसे अग्नि से आग। वैसे ही माता, रात्रि यानी रात्रि, ये तत्सम हो गया, और रात क्या हो गया हमारा? तद्भव हो गया। घर, सोना, सूरज, चांद, ये सब हमारा क्या हो गया? तद्भव हो गया। देशज, देशज किसे कहते हैं? वह शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता न चले उसे देशज कहते हैं। इसकी जिसे वे शब्द जिसका पता ही न चले ये कहाँ से आया है उसे क्या कहते हैं? देशज कहते हैं, जैसे लोटा, कटोरा आदि। विदेशज किसे कहते हैं? विदेशी भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसे विदेशज कहा जाता है, जैसे लालटेन, स्टेशन, ऑफिस, ये सब क्या हो गया हमारा? विदेशज हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पाइक कंपटीशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।